यार आपने कल मेरे पास आना था, आप आई नहीं है। आपने हाँ यार, मुझे वो दरअसल आ रहा था, थोड़ा मसला बन गया था तो जिसकी वजह से फिर मैं नहीं आया था। लेकिन आपको जुर्माना पड़ेगा अभी। मैं बताता हूँ यार, मैं सीधा पता नहीं किसका है। अच्छा, ये बाकी बात मैं बाद में करता हूँ। मैं आपको मैसेज शेयर कर रहा हूँ, तो आपने ना इसे जल्दी इतना हो सके तो तैयारी करने हैं, नहीं तो फिर शाम तक ना कोई ज़रूरतमंद का वो मसला बनेगा घर में, तो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आपने ना जरा जल्दी इसे ना आगे फैलाएं आप, ऐसी क्या चीज़ है जो मेरा नुकसान होगा? ठीक है ना? आप अच्छा, यार ये चीज़ है, मैं आपको समझाता हूँ, ये सारा झूठ है, नहीं यार, ये अगर हो गया तो फिर कौन जिम्मेदार है इसका? अच्छा, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की हमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता कि हम अगर ये चीज़ें अगर किसी के साथ भी शेयर करते हैं या हम कोई भी ऐसे रिकॉर्डिंग अपनी मैसेज रिकॉर्ड कर लेते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद हम किसी को कह देते हैं कि अगर आपने इसको आगे शेयर नहीं किया तो आपके घर में ये नुकसान हो जाएगा या आपको अगर शेयर करने के साथ इतना फ़ायदा हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपके पास एक भी आयत पहुंचती है तो आप उसको आगे फैलाओ। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कहना चाहिए था तो इसके ऊपर कहना चाहिए था, जबकि एक मुसलमान के अकीदे के अंदर ये चीज़ शामिल है कि उसका हिसाब किताब आखिरत में होना है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हज में आयत नंबर 3 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि झूठी बातों से बचो। वो सिर्फ ये नहीं है कि हमने झूठी बातों से बचना है, झूठी बातें करने से बचनी है, झूठी बातें फैलाने से भी हमने बचना है। हम इसको शेयर कर रहे हैं, हम इसमें बराबर के शरीकेदार हैं, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों से बचें और अपने दोस्तों को, दोस्त अहबाब को, सबको रोकें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सारे का एक मंजर खींचा हुआ है कि एक एक शख्स था, उस झूठे ख्वाब के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बताया, फरमाया कि अगर कोई बंदा झूठा ख्वाब बयान करता है, मतलब कोई झूठी बात है, मतलब झूठा ख्वाब झूठ बोलने के मुताबिक है, तो अगर झूठा ख्वाब बयान करता है वो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जौ के दाने, दो दाने उसको देंगे कि आप इसको जोड़ो, और वो जोड़ नहीं पाएगा इसको। उसकी यही सज़ा होगी कि वो उसको जोड़ता रहेगा लेकिन जोड़ नहीं पाएगा। ये छोटी सज़ा है, तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। यार मुझे तो इन चीज़ों का पता ही नहीं था, मैं तो और कोई भी वीडियो देख के उसे आगे भेज देता था। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने तो वैसे ही बस इनके ऊपर लग के ना वो दोस्तों को पैसा आगे पीछे भेज शेयर कर रहा था वैसे ही। थैंक यू यार, आपने मैं हमें इस चीज़ से रुकना चाहिए और हमें अपने दोस्तों को भी रोकना चाहिए। सही।